देखो ये बीजेपी ने अकाली दल के नाल विश्वासघात किया। पिछले 3 महीने तो बीजेपी यही गल कह रही थी कि आज मीटिंग करते हैं कल करते हैं, कदे पहला सुषमा जी का अकाल चलाना हो गया, उस तो बाद धारा 370 आ गई, फिर जेतली साहब अकाल चलाना कर गए, तो बीजेपी बहाने ला के तो इन्हों चीज़ों टालती रही और ये कहती रही हमेशा भी असी तुहाड़े नाल समझौता करना और सीटां की लैन देन जिहड़ी आपां कर लवांगे। लेकिन अब बिल्कुल जब इलेक्शन में 5-4 दिन रह गए तो उस टाइम आके बीजेपी ने कहा कि अकाली दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कोई इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। जब पीछे लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में जब नरवाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था। जैसे आज सुभाष बराला जी कहते हैं कि हमारा कोई वादा नहीं था, हमने कुछ कहा नहीं था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी भी बैठे थे, सारी बातें वहाँ खुल के हुई थी। हमारे जो हरियाणा के इंचार्ज हैं विलेंद्र सिंह भूंदड़ जी वो भी उस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और हमारे सीनियर और भी जो बहुत सारे साथी थे उस टाइम बैठे थे और बीजेपी के तरफ से सीएम मनोहर लाल जी थे, सुभाष बराला जी थे और सुनीता दुग्गल थी जो उस टाइम सरसा से कैंडिडेट थी और बड़ी खुशियां मनाई गई। हमने कुछ नहीं कहा लेकिन इन बीजेपी की तरफ से जयकारे लगाए गए और बोले सो नहाल भी बोला गया और आज बहुत बड़ी जीत हुई है कि अकाली दल का और बीजेपी का जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है। ये बातें सुभाष बराला ने खुद कही थी उस मीटिंग में। मैं प्रधान बराला जी कहते हैं ना हमारा कोई बात नहीं हुई, ये बात हमारे सामने हुई थी, आज ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। और ऐसे जितना साथ श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का दिया है इनको वो दिन भूल गए हैं जब सारा एनडीए के जितने घटक थे वे सारे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को चले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय। एक भी हिंदुस्तान में कोई घटक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा था, उस टाइम भी श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और आज इनकी आंखें ऐसे, इनको हंकार, एक इसको मैं हंकार कहूँगा, अहम कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कितना हंकार भरा हुआ है कि वो समझती है कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अहंकार टूटेगा। क्या संभालने की कोशिश, कैसे, क्या जैसे मान लो उन्होंने बातचीत तो हुई थी, हमारे प्रधान से भी हुई थी, निचले स्तर पर बातें हुई हैं, बस हर बार यही था कि नहीं जी हमारा आपके साथ समझौता है, हम आप सीटों की बातचीत हम कर लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, कभी ऐसा बहाना बहुना लगा के। लेकिन असलियत में अब जो हमें समझ आया कि उनके मन में खोट था। सबसे बड़ा विश्वासघात उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के साथ किया कि जो हमारा एक MLA था उसको ही तोड़ के वो ले गए। आज कहते हैं कि वो मर्जी से आया, बिल्कुल नहीं। रात 8:30 बजे बलकौर सिंह से मेरे से बात हुई है, मेरे से रात 8:30 बजे बलकौर सिंह MLA ने बात किया है। हमारा अमृतसर में हमारी मीटिंग थी कोर कमेटी की और हरियाणा के जितने भी हमारे वेस्ट कैंडिडेट जो थे और बाकी कोर कमेटी जो हमारी हरियाणा की थी उसकी मीटिंग थी और बलकौर सिंह ने मुझे टेलीफोन किया है कि प्रधान जी सुबह क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा भी अमृतसर चलना है, वहाँ सुवीर जी हमें बुलाया और वहाँ हमारी मीटिंग होनी है, तो कोई ऐसी बात नहीं थी उस टाइम। तो क्या अब अकेले चुनाव लड़ेंगे हम? श्रोमणी अकाली दल हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगा और अपने दम पे लड़ेगा। अगर किसी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है तो भाजपा का विरोध करेंगे? बिल्कुल, भाजपा का हरियाणा के अंदर डट के विरोध करेंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? कोशिश कर रहे हैं कि काफी कैंडिडेट्स हमारे पास आ गए हैं और बाकी आ भी रहे हैं और बाकी 29 को इनकी जरा लिस्ट डिक्लेयर होने दो, कैंडिडेट बहुत आ जाएंगे। क्या क्या मेन हम चुनाव लड़ेंगे? पहला हमारा मुद्दा होगा कि हम किसानों के बिजली के बिल माफ़ करेंगे और जो हमारी बेटियां हैं बच्चियां हैं उनको हम 51,000 जो है शगन समीक जो स्कीम है वो हरियाणा के अंदर लागू करेंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके येलो कार्ड या पिंक कार्ड हैं उनको हम 200 यूनिट तक बिजली, उनकी बिजली के बिल बिल्कुल माफ़ करेंगे हम लोग, उनको कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जितने भी कर्जे हैं किसानों के सिर के ऊपर वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे, ये हमारा जो एजेंडा होगा। और व्यापारियों का जो वहाँ जो शोषण कर रही है ये पार्टी, हम व्यापारियों की हर मांगों का हर चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैं आज की बात आपको बताता हूँ
कि इससे ज्यादा और क्या इस, जबकि आज MSP जो धान का है वो 1835 रुपए है जो केंद्र सरकार ने किया है, और आज आपकी कैथल मंडी में ही 1650-1700 में धान लूटा जा रहा है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के CM खट्टर से कि वो वहाँ कहाँ सोए हुए हैं, वो कहाँ है, जब किसान का धान आज 1650-1700 में मंडी में बिक रहा है, तो जबकि मैक्सिमम प्राइस स्पोर्ट जो है वो 1835 रुपये है, तो चीफ मिनिस्टर कहाँ है, तो किसान क्यों वोट देंगे, किसान खिलाफ हैं। ये जो लॉलीपॉप इन्होंने किसानों को दिया है, बिल्कुल किसानों का कुछ नहीं किया है, किसानों को इन्होंने भीख मंगा समझा है कि 500 रुपया महीना का जो है वो किसानों को दे दो, साल में 6000 रुपये आपके खाते में डाले हैं, क्या किसान भीख मंगे है क्या? तो क्या हरियाणा अकाली के पर हम बिल्कुल हरियाणा के साथ डट के खड़े हैं, हम पानी की मांग करते हैं, हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे बाकी पार्टियों के साथ, मोढ़े से मोढ़ा लगा के, कंधे से कंधा लगा के चलेंगे कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। कोई भी हरियाणा की मांगे हैं, चाहे वो SYL है, चाहे कोई भी हरियाणा की जो बात है, हम हरियाणा में रहते हैं, हम भी हरियाणवी हैं, और हम हरियाणा की जो हित की बात आएगी तो हम हरियाणा के साथ खड़े रहेंगे। श्वेत मलिक भी कहता है, BJP का प्रधान पंजाब का, कि हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, उनसे भी पूछो ना BJP वालों से कि आपका प्रधान कह रहा है कि हम एक घूंट नहीं देंगे, उधर अमरिंदर सिंह कह रहा है कि हम एक घूंट पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे हम पंजाब हरियाणा को। तो आप भूपिंदर सिंह हुड्डा से पूछिए ना कि आपका CM कह रहा है कि एक बूंद पानी नहीं दिया, अकालियों से यह सवाल क्यों? लेकिन अकाली दल बिल्कुल इसमें ये लोग RSYL की ऊपर राजनीति करते हैं, कुछ नहीं है, इन्होंने हरियाणा के लोगों को बिल्कुल गुमराह कर रखा है। बिल्कुल अगर हमारे पास कोई अप्रोच करेगा इस मसले के ऊपर, हम इस बात पर विचार करेंगे। BJP ने एक जो हमारा गठबंधन का जो धर्म था उसको तोड़ा है, श्रोमणी अकाली दल की पीठ पर उसने छुरा घोपने का काम किया है। गठबंधन के धर्म के अंदर एक तरफ तो हमारे से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने हमारे विधायक को तोड़कर, जो गठबंधन का जो धर्म था उसको तोड़कर ये साबित किया है कि BJP ने हमेशा दगा की राजनीति की है, और इसका परिणाम उसको इस विधानसभा में भुगतना पड़ेगा।